हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिफ्थ शूटिंग वीडियो ऑफ माय आर्टेमिस। चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार टारगेट स्पॉट एंड शूटिंग स्पॉट को देख लेते हैं। दोस्तों, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं उन्हें मालूम है इसका टोटल डिस्टेंस 16 मीटर्स है, पर आज मैं डिस्टेंस थोड़ा कम करके ट्राई करूंगा। एक्चुअली आज मैं 12.2 मीटर डिस्टेंस से कोशिश करूंगा। दोस्तों, डिस्टेंस कम करने का रीज़न यही है कि आज जो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये मेरे जैसे एमेचर प्लिंकर के लिए थोड़ा टफ है। मैं कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होके ये ट्राई करने जा रहा हूँ। एक्सट्रीम एंड से मैं 230 सेंटीमीटर यानी कि 2.3 मीटर आगे मेरा टारगेट को रख रहा हूँ, और जहाँ बैठ के मैं जनरली शूट करता हूँ वहाँ से भी 1.5 मीटर आगे आके मैं शूट करूँगा। मतलब मेरा इफेक्टिव शूटिंग डिस्टेंस रहेगा 12.2 मीटर। दोस्तों, आप जान लेते हैं एक्चुअली मैं करने क्या जा रहा हूँ। दोस्तों, यह है 200 ml सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक फील्ड बॉटल, आप देख सकते हैं क्लियरली। और यह है उसी सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक एम्प्टी बॉटल। और यह है कुछ प्लास्टिक प्लेइंग कार्ड्स। नहीं दोस्तों, आज मैं कोई मैजिक ट्रिक करने नहीं जा रहा हूँ। इन कार्ड्स के रोल आपको थोड़े ही देर में पता चल जाएगा। और दोस्तों, ये है एक 0.5 मिलीमीटर थिकनेस का बहुत ही पतला एक मेटल वॉशर। इसको फोल्ड करने के बाद ये ऐसा दिखता है। इसे हम एक प्लेइंग कार्ड के साइड में रख के नोज प्लायर से दबा दूंगा। एक्चुअली दोस्तों, दोनों बोतल के बीच में दबा हुआ इस प्लेइंग कार्ड को मैं पेलेट से हीट करके निकालने की कोशिश करूंगा। इसीलिए दोस्तों, कार्ड पे हीट होने के जगह पर वॉशर लगा के मैं कोशिश करूंगा कि वो पुश करके कार्ड को निकल पाए। दोस्तों, अब है टारगेट सेट करने की बारी। ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो, अब तक शायद आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। और इसमें अगर खाली कार्ड पे पेलेट से हीट होता तो शायद वो कार्ड को निकल नहीं पाता, सिर्फ फाड़ देता। इसीलिए मैं वॉशर का सहारा लिया। तो लीजिए, असली खेल शुरू होता है अब। अगर अब तक आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं गए हो तो आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अब आ रहा है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन। ओह नो दोस्तों, कार्ड पे हीट हुआ लेकिन कार्ड निकला नहीं।
चलिए कार्ड चेंज करके दोबारा ट्राई करते हैं। यस, अरे यार इस बार भी होते होते रह गया। कार्ड तो ठीक से निकल चुका था लेकिन बोतल गिर गया। आज तो इसे करके ही छोड़ेंगे दोस्तों। चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। दोस्तों आज का ये शूटिंग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डिमांड कर रहा है। यस, फाइनली डन इट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है मेरे एक व्यूअर के लिए जिसने कमेंट किए थे एसडीबी आर्टेमिस एक बहुत ही घटिया एयर राइफल है और कोई भी कलकत्ता मेड एयर राइफल एक्यूरेट नहीं होता है। इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हें बोलना चाहता हूं कि आप आपके कोई भी फेवरेट एयर राइफल से ये करके दिखाओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देख रहे हो दोस्तों लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, होप इस बार जरूर सब्सक्राइब कर दोगे। एंड मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे प्रेसी होल NX100 पोलारिस एयर राइफल के साथ।